कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ का आज सातवां दिन है। सेना आतंकियों को चुन चुन कर खात्मा करने में लगी है। सेना ने अपने तलाशी अभियान का दायरा और बढ़ा दिया है। अनंतनाग के कोकरनाग के घने जंगलों के साथ ही अब आसपास के गांवों में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो वहीं लापता जवान प्रदीप सिंह का शव भी बरामद कर लिया गया है। सोमवार को प्रदीप सिंह का शव सर्च ऑपरेशन के दौरान मिला था। वो 13 सितंबर से लापता थे। यही वो तारीख है जब ये मुठभेड़ शुरू हुई थी और इसमें कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष, जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP हुमायूं भट्ट और एक जवान शहीद हुए थे। इसके बाद से सेना लगातार प्रदीप सिंह की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। प्रदीप सिंह और एक आतंकी का शव ड्रोन कैमरे में कैद हुआ था। 27 साल के प्रदीप पंजाब के पटियाला के रहने वाले थे और करीब 7 साल से सेना में अपनी सेवाएं दे रहे थे। वो सिख लाइफ इन्फेंट्री के साथ थे और 19 राष्ट्रीय राइफल्स का हिस्सा थे। इसके अलावा सेना को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लश्कर आतंकी उजेर खान मुठभेड़ में मारा गया है। पुलिस ने इसकी पुष्टि कर दी है। बता दें कि सेना ने एक जला हुआ शव बरामद किया था, जिसके बाद आशंका जताई गई थी कि वो उजेर खान का है, जिसकी पुष्टि अब हो गई है। अनंतनाग जिले के कोकेरनाग इलाके में जारी मुठभेड़ को बीते 2 दशकों में भारतीय सेना का सबसे लंबा सैन्य अभियान बताया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। हालांकि अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। सुरक्षा बल पूरे इलाके को घेर कर तलाशी अभियान में जुटे हैं। आतंकियों के भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। पूरे इलाके को चारों ओर से घेर रखा है। जंगलों के बीच जिस गुफा में आतंकियों के छिपे होने की बात कही जा रही है, सेना आतंकियों के उस ठिकाने के करीब पहुंच गई है। हालांकि घने जंगल के बीच सुरक्षा बल के जवान बहुत ही संभल कर कदम बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले रास्ते को क्लियर किया जा रहा है। जंगल में विस्फोटक का पता लगाने के लिए खोजी डॉग्स और आधुनिक उपकरणों का भी उपयोग किया जा रहा है।